साथियों, आज मैं आर्यन स्टूडियो केलारस में ये खाड़ौली वाले सुबेदार सिंह सिकरवार बाबूजी की जीवन कथा लेके आया हूँ। माँ भारती की दो शब्दों में वंदना किस प्रकार से है? अरे मात भारती सबे तारती करूं आरती माई कुवार। अब तो दर्शन देव दिखाए महाकाल उज्जैन की सुमिरु महिमा इनकी अपरंपार। तुम बिन मैया भमर में नैया जो का जागे लगे अपार। ओ तुम बिन मैया भमर में नैया हो हो हो, अरे तुम बिन मैया भमर में नैया जाय झुका लगे लगे अपार। और जंग राजनीति की गावत है भैया ज्ञान बिसर ना जाए। साथियों, भिंड मुरैना चंबल क्षेत्र जो कि क्रांतिकारियों की जन्मभूमि रही है, वहीं के एक बबर शेर किसान पुत्र सूबेदार सिंह और क्रांतिवीर भानु प्रताप सिंह के बारे में हम आपका ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। किस तरह से बाबूजी ने किसान और मजदूरों और बहन बेटियों की मसीहा बनकर अपना सारा जीवन समाज सेवा में बिताया। अरे जिला मुरैना की धरती पर अरे करे राज दलपत महाराज, जहां योद्धा वीरों की भूमि की रति रही स्वर्ग में छाई। गरीब किसान के बने मसीहा सुबेदार सिंह नाम कहाए। साथियों, वो बबर शेर सुबेदार सिंह सिकरवार जिन्होंने खाड़ौली गांव में जन्म लिया, आज क्षेत्र का हाल बदहाल देखा। चोरी की घटनाएं बहुत हो रही थी, किसान जहर खा रहा था, घूसखोरी के बिना कोई काम नहीं होता था। साथियों, आज अपने क्षेत्र की बुरी हालत देखकर वो बबर से आज आंखों में खून के कतरे लगे, आज राजनीति में उतरने का फैसला करता है। अरे फैली उतल पुतल और माही हुआ जाद में जिंद को लाल, अरे फैली उतल पुतल और माही हुआ जाद में हिंद को लाल। और बेरोजगार घूमती जनता के मिलता नहीं रोजगार। इधर उधर मजदूर भागते सुनती नहीं तनिक सरकार, और रिश्वत खोरी के बिन कोई मिलता नहीं कोई अधिकार। अरे लूट रहे इस क्षेत्र की दौलत रिश्वत खोर नीच मक्कार, काट रहे जनता की जेब राजनीति के चोर हजार।
गुलजार सिंह ने क्षेत्र की जनता को बेरोजगार देखा, गरीब किसानों की आंखों में आंसू देखा, विचार करने लगे, मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, यदि किसान के घर में दो वक्त का खाना नहीं मिला, वो किसान जो पूरे देश के पेट को भरता है लेकिन वो खुद लाचार और बेबस है। किसान व्याकुल है दुनिया में कोई इन्हें पूछिया नाई, के पैदायन करे जो निस्धनता को अन्न पेट भर नाई, और खटिया पर के जो मर जावे, खटिया पर के जो मर जावे, धर ले अपनी सर में उतारे। इस धर्म पे जो मर जावे, तीरथ बढ़े अगारी जावे। आज वो बबर शेर मन में विचार करने लगा कि खटिया पे पर के तो बुजदिल जीते हैं, आज उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूद जाता है वो बबर शेर। अरे बेरोजगार घूम रही जनता और सबसे व्याकुल पीला किसान, और खुल गई आंखें सूबेदार सिंह की, अरे मेरो क्षेत्र होत वीरान। आशीर्वाद पिता को लेके कूदो राजनीति में जाए, और मिलो टिकट जब जोरा क्षेत्र से अपनों परचम दयो लहराए। साथियों सन 1977 में पहली बार बाबूजी को टिकट मिलता है, क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, माननीय बाबूजी जब जोरा क्षेत्र से प्रथम बार विधायक बने, अरे बने विधायक जोरा क्षेत्र से, भोपाल खबर पहुंच गई जाए, और देखत जनता हर टीवी पे किसान मन में रहे हर साए, और विधायक बन के जब ही आए अपनो झंडा दयो फहराए। घंटा बिजली आवे सड़कन की तो दयो जाल बिछाई, और चुर चपट्टा सारे भागी जनता घूम रही हर साई। अरे खेती को तो पानी पूरो लागे, खेती को पानी पूरो लागे, खेत में पाइप दहेर बिछवाए। वृद्धा पेंशन बाबूजी ने दए बंधवाए। आज क्षेत्र में देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, बेटियों को कॉलेज पढ़ने के लिए अन्य शहरों में जाना पड़ता है। आज ये हाल देखा तो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जो केलारस में खुलवा देते हैं, वो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज क्या सुंदरता है उसकी। बनी इमारत है आज सुंदर, हलियल वृक्ष लया लहराए, और सभी डिगरियों की यह शिक्षा गुरुदेव ध्यान बिसर ना जाए। और दूसरी बार बने विधायक जनता खूब रही हर्षाए, किसानों की आवाजें उठाए, समय पे नहर दे चलवाए। और हमारी स्टूडियो में बैठे हैं विकास सिकरवार सामोर वाले, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं पप्पू भाई नेरावली वाले, और चिमटा बजा रहे हैं ज्ञान सिंह भाई बांसी वाले, और हमारा साथ दे रहे हैं बबर से
अमित परमार पचुखरा वाले। अरे किसानों के बन गए मसीहा, सारी सुविधा तो दई करवाए। और बाबूजी रे सारी जनता रही चिल्लाए। अब तो धन धन वीर सुबेदार, अब तो धन धन वीर सुबेदार के तुमने नाम कमाए लायो है। अब तो धन धन वीर सुबेदार के तुमने नाम कमाए लायो है। अरे नाम कमाए लायो है के तुमने नाम कमाए लायो है। अरे नाम कमाए लायो है, नाम कमाए लायो है तुमने। अब तो धन धन वीर सुबेदार के तुमने नाम कमाए लायो है। ये घटना जो चोरी की हो गई थी, अरे चोरी की घटना क्षेत्र में हो गए, वीर पहुंच गए थाने में आई। थानों घेरो चारों तरफ से चोरी वापस दई करवाए। और मैं तो हूं ना दान गवैया, सुरजन माफ करो मैं आए। इससे आगे की कथा हम जल्द लेके आएंगे, जिसमें बाबूजी के बारे में जो उन्होंने आंदोलन किए और उनके जो क्रांतिकारी पुत्र भानु प्रताप सिंह सिकरवार, उनके बारे में भी हम जल्द लेके आएंगे।